पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि भारत में जो आपातकाल लगाया गया था वो किन कारणों से लगाया गया। आज वाली क्लास में मैं ये पढ़ाने वाला हूँ कि आपातकाल लगने के बाद क्या परिणाम है, फिर आपातकाल के परिणाम क्या थे। तो पहला परिणाम था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यानी कि जैसे ही आपातकाल लगा तो जितने भी नेता थे जो आंदोलन कर रहे थे उन सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। दूसरी चीज थी, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। सेंसरशिप क्या थी कि प्रेस में सेंसरशिप लगाने का रीजन बस ये था कि जो उस समय की प्रेस थी वो सरकार के खिलाफ छाप रही थी, तो सेंसरशिप लगाने की वजह से क्या हुआ कि वो कुछ भी उनके खिलाफ नहीं छाप सकती थी, और उनको कुछ भी छापना था तो उनको पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। थर्ड पॉइंट था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी, ये जो दो है ये धार्मिक संगठन है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि आप किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट था, धरना प्रदर्शन व हड़ताल पर रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। उसके बाद नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनको भी निष्प्रभावी कर दिया गया था, किसके द्वारा, सरकार द्वारा। जो छठा पॉइंट है, सरकार के निवारक नजरबंदी कानून, देखिए निवारक नजरबंदी कानून कहता है, इसके तहत क्या था कि सरकार को उस समय जिस भी व्यक्ति पर शक होता था कि ये कुछ भी आंदोलन कर सकते हैं या फिर हमारे खिलाफ बोल सकते हैं उनको सीधा जेल में डाल दिया जा रहा था। तो ये जो थे आपातकाल के परिणाम थे जो कि 25 जून 1975 के बाद आए, जो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए जो आपातकाल था वो 25 जून 1975 को लगा, किसने लगाया था, फखरुद्दीन अली अहमद। ये उस समय हमारे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत में आंतरिक अंदरूनी जो गड़बड़ी थी उसकी वजह से यहां पर क्या लगाया था, देश में आपातकाल लगाया था।